कितने टाइम बाद रियाज करना बंद किया जा सकता है? हमें रियाज करते करते काफी वक्त हो चुका है, काफी महीने हो चुके हैं, काफी साल हो चुके हैं। क्या अब हमें रियाज करना बंद कर देना चाहिए? क्या अब हमारा रियाज परिपूर्ण हो चुका है ना? ये कुछ सवाल हैं जो आप ही जैसे स्टूडेंट्स के हैं। तो आज मैं चाहूंगा कि अपने एक्सपीरियंस अनुसार मैं इनका जवाब दूं, इन पे कुछ एक्सप्लेनेशन करूं कि क्या ऐसा एक पॉइंट आता है जब हमें रियाज करना बंद कर देना चाहिए या फिर नहीं। पूरा वीडियो देखिए और जानिए इस सवाल का जवाब। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। बात मेरी कभी सुनी ही नहीं, बात मेरी कभी सुनी ही नहीं। जानते वो भली बुरी ही नहीं, बात मेरी कभी सुनी। दाग दहलवी साहब का ये कलाम है, उनकी ये गज़ल और कंपोजिशन मेरी है। तो आइए जानते हैं उस सवाल का जवाब जिस सवाल को बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है कि क्या ऐसा एक पॉइंट आता है जहां हमें रियाज करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम रियाज कर रहे हैं, है ना। सवेरे उठते हैं और रोज़ उसकी एक्सरसाइज जो है वोकल्स की हम करते हैं, तो अब तो ऐसा समय आ जाना चाहिए ना कि अब तो हो गया, वो परिपूर्ण हो गया, गला हमारा बन गया, तो अब हमें रियाज की क्या आवश्यकता है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको रियाज करना बंद कर देना चाहिए, बिकॉज रियाज इज एक्सरसाइज। अब जाहिर सी बात है, आपके 8-pack एब्स जो हैं बन गए हैं, मान लीजिए आपके मसल्स ना, वो ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, वो सब थाइज, वो सब बन गई है, क्या उसके बाद आप जिम जाना छोड़ देंगे? उनको मेंटेन करने के लिए, उनको बरकरार रखने के लिए क्या आपको एक्सरसाइज करना बंद करना होगा? बिल्कुल भी नहीं। जब आप एक्सरसाइज बंद करेंगे, धीरे धीरे वो जो आपने शरीर बिल्ड किया था वो धीरे धीरे ढलता जाएगा। हाँ, जाहिर बात है आपने क्योंकि बहुत टाइम तक रियाज कर लिया तो वो ढलने की स्पीड कम हो जाएगी, कि बहुत थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो धीरे धीरे करके ढलेगा, थोड़े थोड़े क्या बोलते हैं डिक्रीमेंट आएगा, थोड़ा थोड़ा, है ना। एकदम से नहीं आ जाएगा कि आपको लगा कि यार मैं 4 महीने से रियाज कर रहा था और अचानक मैंने 2 दिन नहीं किया तो मेरा गला बंद हो गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आपका गला बंद होना शुरू हो जाएगा। ये सभी के एक्सपीरियंसेस कहते हैं, सभी का तजर्बा कहता है, ये मैं नहीं, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना। अब क्या होता है, हम कई बार सोचते हैं कि हमने काफ़ी टाइम रियाज कर लिया, अब तो गला अच्छा चलने लग गया, रेंज भी हमारी अच्छी हो गई, खर्च भी हमारा अच्छा लगने लगा है, तो अब तो हमें क्या ज़रूरत है। अगर हम नहीं भी करेंगे, प्रोग्राम देने लग गए, अब तो रिकॉर्डिंग्स होने लग गई हमारी, है ना, खुद के गाने बनाने लग गए, वो सब होने लग गया, प्लेबैक करने लग गए, तो अब अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन क्या होता है, वो जो मेंटेनेंस है वो करनी ज़रूरी है, है ना। ये रियाज जो है वो एक्सरसाइज है, और वो ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको बरकरार रखती है, आपके गले में वो जो बात है वो हमेशा बनाए रखती है, वो जो रेंज है वो हमेशा बनाए रखती है। इसीलिए हमेशा लगातार रियाज करना चाहिए, डेली करना चाहिए, और हो सके जितना कम से कम गैप लेना चाहिए। अक्सर हो जाता है कि हम कई बार प्रोग्राम्स करते हैं या रिकॉर्डिंग्स करते हैं तो क्या होता है, वक्त निकल जाता है, है ना, लेट नाइट हो गया या पूरा पूरा दिन हो गया तो थकान हो जाती है और कई बार गला भी थक जाता है, रियाज के लायक ही नहीं बचता है। लेकिन मैं फिर भी यही सलाह करूँगा, यही हिदायत दूंगा कि थोड़ा ही सही पर रेगुलर थोड़ा रखें, उससे क्या होगा, वो चीज़ बनी रहेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको रियाज करना बंद कर देना है या फिर बस हो गया हमारा, तो भाई हम तो परिपूर्ण हो गए, ऐसा कभी नहीं है। देखिए जैसे कि होता है ना कि सीखता, जैसे सीखना कभी ख़त्म नहीं होता है, है ना। कहते हैं भैया हमने चलो डिग्री कर ली, हम 12 साल की डिग्री कर ली, हमने 12th पास हो गए हम, है ना, हम भाई BA हो गए, हम MA हो गए, हम PhD हो गए, तब भी नॉलेज इतनी सारी बची रह जाती है। वो क्या होता है, फिर एक्सपीरियंसेस हैं, आप उसमें एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए, अपना कुछ इनपुट करते रहिए, है ना, कुछ ना कुछ नया करते रहिए, तो अपने आप नई नई नॉलेज मिलती है आपको। पर्टिकुलर किसी गाइडेंस की चलो वहाँ एक पॉइंट आता है कि ज़रूरत नहीं है, अब आप खुद से बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन रियाज एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपने करना बंद किया तो क्या होगा, गला ठप पड़ जाएगा,
एक ना एक पॉइंट आने के बाद हाथ आपके ठप पड़ जाएंगे, क्योंकि ये जो फिजिकल, ये एक मशीन है, हमारी बॉडी क्या है, एक मशीन है, और इसको चलाने के लिए इसकी ग्रीसिंग ऑयलिंग तो करनी पड़ती है ना, और वो करने के लिए मतलब रियाज करना पड़ेगा, सवेरे उठना पड़ेगा, ओमकार मंत्र लगाना पड़ेगा, सा का रियाज करना है, अलंकारों को घिसना पड़ेगा, अलग अलग लयों में, अलग अलग सप्तकों में, अलग अलग थाटों में, अलग अलग स्केल्स में जाना पड़ेगा, तब जाके वो बात आएगी, है ना। और उस चीज का बरकरार रखिए रियाज, क्योंकि अभ्यास के बिना विद्या का विनाश हो जाता है, ये शास्त्र भी कहते हैं और लोगों के एक्सपीरियंसेस, अनुभव, तजर्बे सब यही कहते हैं, है ना। आप करके देख लीजिए कि अगर आपने कुछ टाइम करना बंद कर दीजिए, फिर देखिए धीरे धीरे डिक्रीमेंट अपने आप आपको महसूस होगा कि यार वो पहली वाली बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी, या अब वो चीज नहीं आ रही, वो हरकत ऐसी नहीं आ रही, वो मुर्गी ऐसी नहीं आ रही, वो गला चलना उतना नहीं चल रहा है, है ना। तो उस चीज का ख्याल रखें। और एक मैंने वीडियो जो अभी दिया है उसको भी देखें कि रियाज में और परफॉर्मेंस में फर्क होता है। आप यूं सोचें कि परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो हमारा रियाज हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस वीडियो को भी देखें, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभावट का चैनल, और आई गेस ये वाला सवाल तो आपका अभी क्लियर हो ही गया होगा। ऐसे ही मैं और भी सवाल लाता रहूंगा आप लोगों के लिए, आप ही लोगों के मन के हैं, आप ही लोगों के एक्सपीरियंसेस के हैं, और मैं कोशिश करूंगा इनको हल करने की। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक कमेंट शेयर करें इस वीडियो को। शुक्रिया।